हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाती हूँ हैंडमेड ज्वेलरी पे पेंटिंग करना। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको हैंडमेड ज्वेलरी सिखाई थी और आज इसमें सिखाऊंगी उस पे डिटेलिंग पेंटिंग करना। इसके लिए सबसे पहले हमने क्ले लिया है। ये शिल्पकार क्ले को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद में इसको हम क्लियर फॉइल या फिर पॉलीथीन में रख लेंगे ताकि ये सूखे नहीं। और यहाँ अब मैं टेलकम पाउडर लूँगी। ये थोड़ा सा स्टिकी हो जाता है तो टेलकम पाउडर लगाने से आपके हाथ पे चिपकेगा नहीं और आप अपनी जो भी मनचाही शेप इसको देना चाहेंगे वो दे सकते हैं। अभी मैं इसको एक शेप दे रही हूँ। आप इसको सर्कल दे सकते हैं या फिर ओवल। मैं यहाँ पर एक फेस बना रही हूँ। यहाँ पर हमने गोल्डन वायर लिया है फ्लावर मेकिंग वाला, जो ईजीली आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पर मिल जाएगा, जिसका मैंने एक यू बना लिया है छोटा सा पीस कट करके, जिसको मैं अपर पॉइंट में लगा रही हूँ इस सर्कल के। और यहाँ पर हम कोई भी पर्ल की माला अटैच कर देंगे। उसके बाद दो छोटे यू और बना रही हूँ मैं ईयर्स के लिए। यहाँ पर हम ईयर रिंग लगाएंगे क्योंकि ये मैं अभी पेंडेंट जो बना रही हूँ फेस का पेंडेंट बना रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से हम फेस का पेंडेंट बना लिया है। और उसको सूखने के बाद मैंने ब्राउन कलर का हेयर का दिया है। ब्राउन के बाद मैं ब्लैक कलर से इस पर टेक्सचर दूंगी। पहले आप पेंसिल से ड्राइंग कर लें आईज नोज और हेयर की। ये देखिए, ब्राउन पे मैंने ब्लैक का हेयर बनाना स्टार्ट किया है, इसकी डिटेलिंग की है। तो दो कलर से जब हम हेयर बनाएंगे तो ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। तो इसके बाद हमने, ये देखिए, तीन बना रही हूँ मैं, दो ईयर रिंग्स के लिए और एक पेंडेंट। सबसे पहले यहाँ पर हमने आईज और नोज के लिए पेंसिल से ड्राइंग करेंगे और फिर फैब्रिक कलर लेंगे, एक्रेलिक कलर जिनको हम कहते हैं। ब्लैक कलर से हम आउटलाइनिंग कर लेंगे आईज नोज और लिप्स की। आप यहाँ पर परमानेंट मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हम डिटेलिंग करेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पर ग्रीन कलर ले रही हूँ, आईज पे आई शेडो की तरह यूज़ कर रही हूँ। थोड़े से वाइब्रेंट कलर यूज़ कर रही हूँ ताकि वो और खूबसूरत लगे। लिप्स पे मैंने पिंक कलर यूज़ किया है लिपस्टिक की तरह। और उसके बाद ये देखिए, तीनों पे ही लिप्स का एक ही कलर ले रही हूँ मैं। और यहाँ हमने माथे पे थोड़ा सा ऑरेंज कलर यूज़ किया है ताकि ये पेंडेंट थोड़ा कलरफुल सा हो जाए। इसके बाद जब आप कलरफुल फोरहेड ऑरेंज और पिंक कलर की लिपस्टिक वगैरह लगा देंगे तो कई बार होता है कि हमारी जो ब्लैक कलर की आउटलाइनिंग है वो उतनी फिनिशिंग से नहीं होती है। तो दोबारा एक बार हम उसकी आउटलाइनिंग कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर परमानेंट मार्कर यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने इनकी बिंदी और थोड़ा सा सिंदूर भी लगा दिया है। यहाँ पर हमने इयर रिंग्स लूप लिए हैं जो आपको स्टेशनरी शॉप पे इजीली मिल जाएंगे इयर रिंग्स के। और ये देखिए, इस तरीके से मैंने इयर रिंग्स के लूप लगा दिए हैं। और छोटे छोटे जो उनके इयर रिंग बनाए थे यहाँ पर मैंने उन पर पर्ल लगा दिए हैं, हैंगिंग पर्ल्स जो हिलते हुए बहुत सुंदर लगेंगे। यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी थ्रेड्स लिए हैं इसकी डोरी बनाने के लिए नेक पीस की। ये देखिए, नेक पीस में हमने पॉम पॉम भी लगा दिए हैं। ब्लू और मजेंटा कलर के मैंने यहाँ पर पॉम पॉम लगा दिए हैं। यहीं पर इस तरीके से ये देखिए आपके इयर रिंग्स बन जाएंगे, हैंगिंग इयर रिंग्स जिसमें ये पर्ल हिलते रहेंगे, खूबसूरत लगेंगे। पिंक कलर के पर्ल लगाए हैं। थ्रेड से मैंने इसको अटैच कर दिया है जो मैंने पहले वायर लगाया था गोल्डन फ्लावर का। इस तरीके से देखिए, ये आपके दोनों साइड आपको पेंटिंग करनी है ताकि अगर आपका मुड भी जाए तो वो अच्छा लगे। इस तरीके से आप और भी डिटेलिंग में ज़्यादा पेंटिंग कर सकते हैं। ये देखिए, दोनों साइड मैंने इसकी पेंटिंग करी है कि अगर मुड़ जाए तो वो अच्छा लगे। ये मिनिएचर पेंटिंग भी करी है। इस तरीके से आप और खूबसूरत बना सकते हैं इन चीज़ों को। ये वाला पेंटिंग आपको बिगनर्स के लिए था। पहले आप इस तरीके से छोटी छोटी बनाएं और आप डिटेलिंग कर सकते हैं ज़्यादा सी। थैंक यू।